अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज शहर के कुछ अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। दो दिन धीमी बारिश के बाद शायद अब बारिश कम होगी ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन आज फिर बारिश मुस्तकिल जारी रही। एमएलए जनाब आसिफ राजू सेठ ने बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा आज लिया। बसनकुर्ची, कंगराली, अलारवाड़ कैंप इलाके में एमएलए आसिफ सेठ ने लोगों से मुलाकात फरमाई और नुकसान का जायजा लिया। आवाम को जल्द मुआवजा देने की भी बात कही गई और कोई भी अफसर अगर ताखीर करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी ऐसा भरोसा दिलाया। वाजा रहे बेलगाम शहर के कुछ इलाकों में घरों के ढहने की वारदातें पेश आई है, जिन्हें जल्द मुआवजा देने का वादा आसिफ राजू सेठ की जानिब से किया गया। एक महीने पहले पुना बेंगलोर हाईवे कित्तूर के नजदीक कार को रोक कर 10 लाख रुपए लूटने की वारदात पेश आई थी। इसकी फरियाद कित्तूर पुलिस में दर्ज भी की गई थी। इन्हीं मुजरिमों को मथुरा पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर ही गोलियां चलाई गई, जिसके बाद की कार्रवाई में मथुरा पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 2 मुजरिमों के पांव में गोलियां लगी और 4 को हिरासत में लिया गया। इनके पास से 4 पिस्तौल, 19 कारतूस और 10,35,000 रुपये बरामद किए गए हैं। मुस्तकिल बारिश से तमाम नदियां नाले लबालब भरे हुए हैं। कई जगहों पर मगरमच्छ देखने की वारदातें भी पेश आ रही हैं। बैलोंगल के तिगड़ी तालाब में मगरमच्छ देखी गई, जिससे तालाब के किनारे गांव में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। हाल ही में उज्जवल नगर में एक नामालूम शख्स की लाश बहती हुई आई और नाले पर गिरे दरख्त की वजह से लाश वहीं अटक गई। सुबह लोगों की नजर में आई तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। उज्जवल नगर पहुंचकर पुलिस ने जायजा लिया, लिहाजा लाश को निकालने के लिए 4 नौजवान पानी में उतरे और लाश को पानी से बाहर निकाला। CPI JM काली मिर्ची ने उन नौजवानों की तारीफ करते हुए कहा कि लाश के नजदीक जब खुद रिश्तेदार तक नहीं जाते, इस तरह की तस्वीरें हमने बारहा देखी है, लेकिन यहां तो अनजान लाश के लिए उज्जवल नगर के नौजवानों ने पानी में उतर कर लाश को बाहर निकाला और एम्बुलेंस में डाल दिया। आज इन 4 नौजवानों की मालमारुति थाने में CPI काली मिर्ची की जानिब से गुलपोशी फरमाई गई और कहीं पर भी हादसा होता है तो खिदमतें खल्क करते हुए मदद करने की हिदायत भी दी गई। लोगों में खुसूसन ये शक रहता है कि पुलिस की तरफ से परेशानी हो जाएगी, लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है ऐसी भी बात उन्होंने कही। उज्जवल नगर के नौजवानों ने एक अच्छे काम को अंजाम दिया कहते हुए उनकी सराहना की। इस वक्त वकार शाहपुरी और मोहम्मद अली जमादार वकील भी मौजूद रहे। 4 नौजवानों के नाम शोएब गवास, मैनुद्दीन डोंगर के, शाहिद काकर और जियान मुल्ला हैं। इन नौजवानों के काम की सराहना शहर में की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाल ही में उज्जवल नगर के नाले में एक लाश बहती हुई आई थी और वहां पर लाश आकर रुक गई थी, लिहाजा उस लाश को उठाने के लिए कोई भी नहीं था। तो उज्जवल नगर की ये 3 अफराद हैं जिन्होंने वहां पर जाकर उस लाश को उठाई। हमारे साथ यहां पर मौजूद है CPI काली मिर्ची साहब। काली मिर्ची साहब, आप भी उस दिन आपने एक इंस्पिरेशनल स्पीच लास्ट में दी थी, ये 3 लोगों की गुलपोशी की मतलब एक इंस्पिरेशनल रहेगा, आप इस पर बोलिए। परसों 2 रोज के पहले उज्जवल नगर का कनेक्टेड बल्लारी नाला में एक अनोन बॉडी कैबनी वो भो को जा रहा था, उधर एक झाड़ आड़ा रहने में उधर रुक को ऐसा वहाँ का इन्फॉर्मेशन आ गया। गए बाद बॉडी डिकोपन्स था, डिकोपन्स रहे बाद वो नीचे बॉडी ऊपर उठाने के लिए मदद चाहिए था। जब हमें पुलिसों को रिक्वेस्ट करे थोड़ा आग मदद करना बोल को, अब एक ये क्या ठहरे सो 3 लड़के क्या अपनी कोसा भी उसके लिए डर नहीं सो, उन्हों ड्रेनेज में उतर को वो बॉडी क्या अपनी ऊपर उठा को एक सोशल वर्क करे, पुलिस को मदद करे। हम भी पब्लिक के पास एज ए डिपार्टमेंट आदमी हो को रिक्वेस्ट क्या करते बोल बोले तो काम भी बड़े बाड़ी पड़े दे, एक जरूर 112 को फोन करना, ये बाड़ी के बारे में हम कुछ बताए तो हमारे ऊपर कहाँ आता, पुलिस हमको क्या बोलते बोलने का नहीं डरना, पहले 112 को नहीं कंट्रोल को एक बताना, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना लोकल पोल्यूशन को, बाद में कुछ पुलिस क्या तो मदद करे तो सब्जे ने भी जिंदा 1000 साल 2000 साल कोई भी नहीं रहता, तकदीर में कितना रहता उतना रोज आदमी रहता, कोई भी बाड़ी रहे तो हम हमारे भाई हमारे घर वाले हमारे कौन से पेरेंट्स डेथ हो बाद हमें क्या प्यार से हमें काम करते वो प्यार से काम करे तो अपनी सोशल वर्क भी होता
वो बाड़ी कैबनी एक रेस्पेक्ट हुआ था हिंदू समाज में, बोलते आदमी महरेश वाला कैबनी भगवान होता बोल को, तो ये कैबनी बहुत अच्छा काम करे, इसलिए कैबनी उनको हम आज कैबनी हमें थोड़ा हमारे वकील साहब हमें स्टाफ हमारे कमिटी वाले उनको आज सम्मान करते हैं। यही तरफ सोशल वर्क कभी पुलिस का कौन सा भी रहते पुलिस वो बेलगाम सिटी के रहते बाहर कौन कहाँ की कहाँ का भी आदमी पुलिस वाला मदद पूछे तो आप जरूर करना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, एक इंस्पिरेशनल यानी दूसरों को भी इस चीज से मुतासिर एक सबक ये कि अगर कहीं पर भी कुछ हादसा होता है तो वहां पर पेश आकर खिदमत को अंजाम देना, क्योंकि खिदमत-ए-खल्क इबादत में शुमार है। और जिस तरह से क्योंकि मैं खुद देखा है, खुद आकर मुझे बोले कि हमें उतर को बॉडी उठाते ही तुम्हें जरा सी पी एस आपको बोलो बोलो मैं उनकी बात करने के बाद इजाज़त दिए तो ये नीचे उतर को बॉडी बिल्कुल ख़राब हालत में था, उसके बावजूद ये तीनों भी अफराद चारों अफराद जो जिस तरह से काम को अंजाम दिया वाकई सराहनीय काबिल सताइश है।